के टीजीटी के 10% अभी भी नए टीचर्स ने ज्वाइनिंग नहीं दी है, इसे लेकर अतिरिक्त समय दिया जाएगा जिसमें प्रेगनेंसी हो, सर्जरी हो या अन्य गंभीर मसले हो, कोई बड़े कारण हो, इसे लेकर शिक्षा विभाग ने छूट देने का फैसला लिया है। क्योंकि जितने भी यहां पर टीजीटी अपॉइंट किए गए थे उसमें भी अभी करीब 10% ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने एक बार फिर रिमाइंडर भेजकर ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांगी है। हिमाचल प्रदेश में 1123 शिक्षकों को बैच वाइज टीजीटी को नियुक्ति दी गई थी। 16 जुलाई को नियुक्ति आदेश जारी किए थे लेकिन अब भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, इसे लेकर एक बार फिर रिमाइंडर भेजा गया है। जेबीटी नियुक्ति को लेकर 1 सप्ताह का वक्त लगेगा, ये निदेशालय की तरफ से कहा गया। एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर कोहली साहब का कहना है कि करीब 1 हफ्ता लग जाएगा स्टेशन अलॉटमेंट की प्रक्रिया को दूसरी बार विभाग यहाँ पर अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। 1161 जेबीटी के बैच वाइज आधार पर हिमाचल प्रदेश में पद भरे जाएंगे। लंबे समय से शिक्षक अपनी नियुक्ति के इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा विभाग की माने तो छात्र संख्याओं के आधार पर दूसरी बार स्टेशन दिए जा रहे हैं, जल्द इसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में 566 सरकारी स्कूलों को बंद कर शिक्षा विभाग ने इसका प्रपोजल सरकार को भेज दिया, जिसमें 99 स्कूल 0 इनरोलमेंट वाले हैं तथा 466 ऐसे स्कूल हैं जिसमें छात्रों की संख्या 6 से कम है, और ये कैबिनेट में फैसला हुआ था। लेकिन बड़ी बात है कि निदेशालय ने इन तमाम स्कूलों की सूची तैयार कर सचिवालय को भेज दी है। इन सभी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। 466 स्कूल जिनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए ये तय किया गया कि किन स्कूलों के बच्चों को किन समीपवर्ती स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर छात्रों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, वहाँ पर टोटल इनरोलमेंट कितनी हो जाएगी, वहाँ पर कितने टीचर्स हैं, ये पूरी तरह से डिप्टी डायरेक्टर को ये आदेश दिए गए थे पहले कि आप इसका लेखा जोखा बनाइए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 856 के आसपास अध्यापक ऐसे हैं जिनको अब नई पोस्टिंग देनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे 856 टीचर हैं जिनके एक बार फिर तबादले होंगे। उपनिदेशकों से इसकी बाकायदा स्टेशन के साथ सूची मांगी गई थी, इनके तबादलों को लेकर लिस्ट मांगी गई थी, और इस आधार पर निदेशालय का कहना है कि बंद किए गए स्कूलों के अध्यापकों को हमने कहा है कि समीपवर्ती स्कूलों में एडजस्ट किया जाए, लेकिन इसके लिए 2 बड़ी शर्तें रखी गई हैं। एक्सीलेंसी स्कूल में इन टीचर्स को भेजा जाएगा, और दूसरा जिन स्कूलों में ज़्यादा छात्रों की संख्या है, ज़्यादा इनरोलमेंट वाले स्कूलों में इन छात्रों को भेजा जाएगा। इसके चलते डिप्टी डायरेक्टर से सूची निदेशालय को आएगी, फिर सरकार को भेजी जाएगी, और माना जा रहा है कि अगले 15-20 दिनों में हिमाचल प्रदेश के 856 टीचर्स के एक बार फिर तबादले होंगे, और इन तबादलों के कारण एक बार फिर यहाँ पर थोड़ी सी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उथल पुथल जरूर हो सकती है। उधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के लिए पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी है। प्रार्थियों ने हाई कोर्ट के आदेश अनुसार उनकी योग्यता पर आधारित पात्रता का पुनर्मूल्यांकन करवाने की मांग की थी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने प्रार्थियों की आपत्तियों को गुणवत्ताहीन ठहराया। प्रार्थियों की आपत्तियां खारिज होने से पोस्ट कोड संख्या 817 के तहत जीआईटी के 1867 पदों को भरने का रास्ता साफ हो गया है, और इस पर राज्य चयन आयोग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में, यानी कि 1-2 दिनों को मतलब है कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है, सोम या मंगलवार तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लंबी लड़ाई के बाद अब 817 के तमाम कैंडिडेट्स को न्याय मिलने की उम्मीद है, जिन्होंने लंबी तपस्या की, कड़ा तप किया अपने नियुक्ति पत्र के लिए, अपने परिणाम के लिए, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट से लेकर सचिवालय की गलियों तक लंबा इन्होंने पद यात्रा करने के बाद इन्हें न्याय मिला है, और माना जा रहा है कि सोमवार मंगलवार तक इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा।